जी सुमित जी, अनिल जी 10 की कमाई में जो स्टॉक मेरे को अच्छा लग रहा है पोजिशनली लेने लायक वो है बजाज फाइनेंस। 2440-2450 का भाव है। बजाज फाइनेंस बहुत बढ़िया लेवल्स पे मिल रहा है। अच्छी खासी करेक्शन के बाद अब इसने लोअर लेवल से पुलबैक और बाउंस बैक देने का शुरुआत किया है। मेरे को लगता है ये स्टॉक आने वाले दिनों में यहाँ से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाएगा। आज 5 दिनों में स्टॉक ने जो नीचे में सपोर्ट दिखाया है 2200-2250 के आसपास दिखाया है, तो वो होगा नीचे में सपोर्ट या स्टॉप लॉस। यहाँ से इमीडिएटली पुलबैक बाउंस बैक में 2700 का लगता है मेरे को पहला लेवल बजाज फाइनेंस में देखने को मिलेगा। अभी चल रहा है 2440-2450, 2700 का होगा इसका पहला टारगेट जो कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म का होगा। एक बार स्टॉक 2700 का लेवल क्रॉस करेगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ये लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में 3000 प्लस के लेवल जल्दी ही दिखाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि बजाज फाइनेंस में यहाँ से अगर कोई भी डिप आता है 2400 तक 2380 तक तो उस डिप में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले, सीएमपी पे फ्रेश बाय का व्यू ले, नीचे में 2250 के आसपास का स्टॉप लॉस, ऊपर में 2700 का पहला टारगेट और 3000 का दूसरा टारगेट, ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए बजाज फाइनेंस में अभी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त बजाज फाइनेंस में। ओके, 2450 के आसपास खरीदिए, 2250 का स्टॉप लॉस, 2700 और 3000 के टारगेट के लिए।